Hello, my dear all subscribers and all the new channel visitors. I am Engineer Hari. आप इंटरव्यू में जब जाते हैं किसी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के लिए, इवन मिड एंड सीनियर लेवल के लिए या जूनियर लेवल के लिए, तो आपको ये चीजें कुछ बहुत जानकारी वाली चीजें कुछ जाननी चाहिए। जैसे मान लिया आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जो बहुत सारे मैंने देखा इंटरव्यू में कंडक्ट करते समय, कि आप जैसे बिल्डिंग को प्लान दे दिया गया आपको, हाउ विल ट्रांसफर द प्लान ऑफ द बिल्डिंग एट द साइट। तो ये बहुत ही आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल वीडियो है सभी साइट इंजीनियर्स के लिए, अपकमिंग सिविल इंजीनियर्स के लिए जो इंटरव्यू के लिए तलाश कर रहे हैं, प्लस यदि अपने प्रोफेशनल कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एक्सकेवेशन लाइन है, जो मिट्टी के खुदाई वाली लाइन है, आप बिल्डिंग प्लान से जमीन पे कैसे ट्रांसफर करेंगे। नंबर टू, आप जो आपकी फुटिंग जो होती है फाउंडेशन के लिए, उसका लेआउट कैसे करेंगे प्लॉट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर। थर्ड में हम आपको बताएंगे कि जो फुटिंग के लिए जो पीसीसी बेड पर कलम की बार जो है, रिबार्स कलम बार कैसे आप उसमें प्लेस करेंगे और क्या क्या सावधानियां रखेंगे। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ 34 इयर्स इन द प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सेटिंग आउट ऑफ द एक्सकेवेशन लाइन, जो खुदाई होता है अर्थ की, इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द बिल्डिंग लाइन्स ड्रॉन बाय द आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर ऑन द ग्राउंड। ये हुई एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ द सेटिंग ऑफ द प्लान फॉर एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन स्टार्ट करने के पहले आप सभी ड्राइंग को यू हैव टू स्टडी एंड होमवर्क शैल बी डन। आप हमेशा याद रखें, जैसे कि मेरे एक साइट पे हुआ था, साइट पार्टिकुलर्स वाज नॉट प्रॉपर एंड उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया गया हायर ऑफिस में स्ट्रक्चर डिजाइन। व्हेन आई पोस्टेड एट द साइट फॉर ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जब मैंने लोकल में इंक्वायरी किया अबाउट द कंडीशन ऑफ द सॉइल, तो पता चला कि ये जहां पर हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने वाली है, एक समय ये पॉन्ड था एंड लेटर ऑन ओनर ने सेल करने के लिए इसको मिट्टी फिलअप कर दिया था। दिस वॉज इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द आवर हेड ऑफिसर फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन, क्योंकि ये नेचुरल सॉइल के हिसाब से फाउंडेशन डिजाइन हुई थी, बट देयर वॉज ए फील्ड सॉइल। एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, कम से कम फील्ड सॉइल पे जो आपका बिल्डिंग का जो डिजाइन होता है फाउंडेशन फुटिंग की कलम की, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है देन द नेचुरल सॉइल, इसलिए इसको दोबारा रिडिजाइन करना पड़ा, दोबारा इसके स्ट्रक्चर डिजाइन को रिवाइज करना पड़ा, और इसके पहले बेयरिंग कैपेसिटी एट द सॉइल टेस्ट करना पड़ा। तो ये सब चीज कुछ एक्सपीरियंस की बातें हैं, यू विल एप्रिसिएट बाय द हायर ऑफिसर इफ यू डू दिस टाइप्स ऑफ सर्वे। कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन करने के पहले, मान लिया कि आपका 4 मीटर फील्ड ऑफ सॉइल है, तो फील्ड ऑफ सॉइल से होते हुए जो फुटिंग की जो कम से कम 50 सेंटीमीटर जाना चाहिए नेचुरल ग्राउंड में, 4 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, वहां से हम स्टार्ट करें फुटिंग को। इसमें थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है बट योर बिल्डिंग विल बी स्टेबल, अदरवाइज बिल्डिंग विल क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर ड्यू टू अनइवन सेटलमेंट ड्यू टू फील्ड ऑफ सॉइल। यदि फील्ड ऑफ सॉइल पर आपने बिल्डिंग को बना दिया, देन इट विल गिव अनइवन सेटलमेंट एंड फाइनली
बिल्डिंग विल हैव सम क्रैक्स एंड ओवरटर्निंग, जैसे हमने देखा है कई सोसाइटियों में कलम ओवरटर्न कर जाते हैं, बिल्डिंग क्रैक्स हो जाते हैं। यह सब इनिशियल सर्वे नहीं करने के लिए लोग जिम्मेदार है। तो हम, मेरा पॉइंट यह था कि जब बिल्डिंग को आप जो सेटिंग करेंगे एक्सिवेशन लाइन को, तो सबसे पहले जो है प्लान को देखिए, प्लान पर सभी डायमेंशंस आप लिख लीजिए, और जो वॉल की जब सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है रेक्टेंगल होंगे, तो रेक्टेंगल होंगे तो एक तो लंबा लाइन होगा, दूसरा छोटा लाइन शॉर्ट लाइन होगा। तो वॉल की सबसे लंबा लाइन है, सपोज आपको 20 मीटर बाई 15 मीटर की आपका एक बिल्डिंग की एरिया है, तो 15 मीटर की जो लाइन है सबसे लॉन्गेस्ट लाइन, उसको पहले जमीन पे मार्क करें, सेंटर लाइन ऑफ द वॉल विद द हेल्प ऑफ टेप एंड पेग, और जो भी शॉर्ट लाइन है, शॉर्ट डिस्टेंस की लाइन है, उसको आप 3-4-5 मेथड से टेप से मेजर करके, जैसे एक लाइन में अगर 3 मीटर है, दूसरा में 4 मीटर, तो डायगोनल आपका 5 मीटर होनी चाहिए। इस तरह से हम परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे पर करते हैं फॉर फाइंडिंग द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सकवेशन, और इसको हम वहां पर जब सभी स्ट्रिंग से आप बांध दें सभी सेंटर लाइन को 3-4-5 मेथड से, और उसके डायगोनल जो होती है हर एक रूम की डायगोनल्स आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके परपेंडिकुलर टू द होल स्क्वायर प्लस बेस की होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, वहां से एच निकाले हाइपोटेन्यूज, और आप डायगोनल को भी चेक कर ले हर एक रूम की, जैसे मैंने प्रैक्टिकल किया है साइटों पर, यू विल गेट द एक्यूरेट साइज। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, स्क्वायर तो स्क्वायर, व्हाट एवर गिवन द ड्राइंग परफेक्टली विल गेट द साइज। आइए हम देख लेते हैं कि 3-4 मेथड से साइड पर रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं फॉर लेआउट ऑफ द बिल्डिंग सेंटर लाइंस। लेट अस सी व्हाट इज 3-4-5 मेथड ऑफ सेटिंग राइट एंगल एट साइट। तो सबसे पहले एक हम नेल जमीन में गाड़ देंगे एंड टाइटली टाई द स्ट्रिंग एट द कॉर्नर ऑफ द प्लॉट, और वहां से हम 3 मीटर मेजर करेंगे, फिर वहां स्ट्रिंग को बांध देंगे, देन टैग द अदर एज, उस कॉर्नर से हम 4 मीटर मेजर कर लेंगे। ओके, अगेन पुट द स्ट्रिंग फ्रॉम कॉर्नर टू दिस पॉइंट एंड टाइड द स्ट्रिंग प्रॉपरली। नाउ आप 4 मीटर के एंड से और 3 मीटर के एंड से, जैसे हमने टेप लगा के मेजर करने पर आपको 5 मीटर आनी चाहिए, यदि 5 मीटर नहीं आ रही तो उसको रीमेजर कीजिए, और अगेन कॉर्नर से आप एक्सटेंड करते हुए जितना दूर आप ले जाना चाह रहे हैं उसको ले जाइए। इस तरह से 3-4-5 मेथड से राइट एंगल सेट किया जाता है सभी साइटों पर। आप थ्रेडलाइट और कंपास से भी सेट कर सकते हैं। व्हाट एवर गिवन द ड्राइंग परफेक्टली विल गेट द साइट, क्योंकि एसेंट्रिसिटी बिल्कुल ही मंजूर नहीं है, सभी लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और सेंट्रल लाइन से भी परफेक्ट, अदरवाइज आपकी रूम साइज या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देना है। और सभी को चूने से मार्क कर दे, लाइन से मार्क करें, उसके बाद में जो भी सेंटर लाइन जहां पर आ रही है, मानी कलम के सेंटर लाइंस है, तो नेचुरली फुटी के साइड, फुटिंग का जो ग्राउंड की साइज है वो क्या है, ऊपर कलम अगर मान लिया कि 10 इंची बाई 12 इंची का कलम है, तो नीचे जो है आपका
फुटिंग का जो बेस है वो नेचुरली बहुत ज्यादा होगा। मान लिया कि दो मीटर बाय दो मीटर का मान लिया नीचे का फुटिंग का बेस साइज है, तो आप दोनों साइड से आप कम से कम 8-8 इंची सभी साइड से क्लियरेंस रखते हुए आप उसको कटिंग कराएं। और यदि आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल अगर है, अगर बेडिंग कैपेसिटी मीडियम है टू लो है, तो उस केस में आप कम से कम 10 इंची 12 इंची या 1 फीट तक का नीचे बालू भरे, उसके बाद में मुरम दे करके उसको रैमिंग बढ़िया से करे और उसको 3-4-5 दिन छोड़ दे। उसके बाद में आपने ज्यादा कटिंग किया हुआ है पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द फाउंडेशन, तो आप पूरे में ही लीन कंक्रीट करें, मे बी 1510 और 148 या कम से कम 8 इंची से लेकर 10 इंची लीन कंक्रीट कर दे। और सभी की बेस जो है, बेस को आप बिल्कुल प्लेन रखें, इवन रखें। उसके बाद यदि ये अगर डेप्थ ज्यादा है फाउंडेशन की ट्रेंचेस की, तो उसमें टिमरिंग कर दे, सोरिंग कर दे, बॉक्स सटिंग लगा करके, ताकि आपका ट्रेंच ये कैप में नहीं बदल जाए, गिरे नहीं। यदि वाटर लॉग एरिया है तो आप पंप रेडी रखें, उसको डीवाटरिंग कर दे और साइड पर सभी प्रिकॉशंस रखें। यदि डेप्थ ज्यादा है तो साइड में प्लैंक्स लगा दे। तो ऐसे करके आप फुटिंग को तैयारी कर ले नीचे में। उसके बाद में फिर से सभी स्ट्रिंग सेंटर टू सेंटर लाइन, जितने आपके कलम के सेंटर लाइंस है, नीचे के बेड तैयारी होने पर 1510, उसके बाद अगला होता है आपका आरसीसी की वर्क के लिए, और कलम की जो भी आपका जाली है उसको प्लेस करना है, प्लस कलम की रीबार्स को जो वर्टिकल है उसको प्लेस करना है। इसके लिए आप सफिशियंट कोवर रखें, कम से कम 50 mm कोवर दे दे जाली प्लेस करने के पहले। मार्केट में आपको रेक्टिकल कोवर मिलते हैं 1-4 या 1.5-3 जो भी है, M20 M15 जो भी आप मार्केट से ले आइए, कोवर लगाइए। 40 mm है तो 40 mm 50 mm की कोवर लगा दीजिए, उस पर आप जाली प्लेस कर दीजिए। जाली प्लेस करने के पहले सफाई रखना है कि फिर से सभी स्ट्रिंग को बांधिए और सेंटर लाइन जमीन के ऊपर जो स्ट्रिंग है उसे सेंटर लाइन को आप खोजिए कि इस कलम की सेंटर लाइन कहां पर रही है, एलोंग विद द वॉल सेंटर लाइन एंड कलम सेंटर लाइन, सबको मैच कराते हुए आप स्ट्रिंग से प्लम्ब जहां सेंटर लाइन आपको मिला स्ट्रिंग पे जमीन के ऊपर, वहां से आप प्लम्ब को नीचे गिराइए सावधानी पूर्वक, और नीचे कंक्रीट जो भी अपना लीन कंक्रीट प्लास्टर कर दीजिए, वहां पर आपको पॉइंट मार्क हो जाएगी। वहां पर एक आप लोहे की सरिया छड़ गाड़ दीजिए जो सेंट्रल लाइन है, और इस तरह से टी स्केल के मदद से या लोहे की जो आप बना लीजिए, पहले से एक फॉर्मवर्क बना लीजिए लोहे का, और वहां भी नीचे भी अच्छे से मार्क कर लीजिए, ताकि रेक्टेंगल जो भी नीचे बना हुआ है फुटिंग की वो बिल्कुल कॉलम के सेंटर लाइन में ही पड़े। इस तरह से आपने जाली प्लेस कर दिया, उसके बाद आप सफिशियंट कंक्रीटिंग कर दीजिए। कंक्रीटिंग करते समय आप ध्यान देना है कि 1.5 मीटर से ज्यादा मत गिराइए, और लोहे को जब वर्टिकल बार को जब बांधेंगे आप, तो चारों तरफ से स्ट्रिंग से अच्छे से टाइट कर दे, उसको भी प्लम्ब में देख ले, क्योंकि इसेंट्रिसिटी बिल्कुल अलाउ नहीं है कलम के लिए, अदरवाइज कलम विल फेल। तो इसमें फ्यूडाइट का मदद भी ले सकते हैं, बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए कलम फॉर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड इवन मीडियम प्रोजेक्ट के लिए आप प्लम्ब से देख लीजिए वर्टिकलिटी, चारों तरफ से स्ट्रिंग से बांध दीजिए ताकि काम करते समय ये इधर उधर नहीं हो जाए। टेम्पिंग रडिंग वाइब्रेशन चलाइए उसमें, ताकि डेंस कंक्रीट मिले, अंदर में कोई पोर होल्स नहीं रह जाए। और यदि
आपका जो रेक्टेंगल सिंपल फुटिंग है तो नीचे तो एक मान लिया कि 8 इंची या 10 इंची का नीचे का एक मिल जाएगा रेक्टेंगल बेस मिल जाएगा, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, स्लोप है, तो जो थिकनेस मिली 8 इंची के ऊपर जब स्लोप करते हैं हम लोग ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए, तो स्लोप की जो आपकी कॉन्क्रीट है उसको आप लीन मत रखें, उसको आप वर्केबिलिटी आप चेक करें, थोड़ी स्टिप रखें, क्योंकि वो तो स्लोप में है फुटिंग, हम कॉस्ट बचाने के लिए करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन। इसमें अच्छा खासा कॉन्क्रीट कॉस्ट बच जाता है एज पर डिजाइन, और उसको थोड़ा लीन कॉन्क्रीट रखें, स्टिफ रखें, ताकि वो बढ़िया से आपका स्लोप मेंटेन हो जाए ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए। उसके बाद आप क्यूरिंग करें, 8-10 दिन क्यूरिंग करें, अच्छे से ढंग से क्यूरिंग करें, और बाद में आप जो आपको कलम का सटरिंग बांधना है वो बांधें और स्टार्ट करें फर्दर वर्क्स। ध्यान देने की चीज होती है कि कोई भी रस्ट स्टील यूज नहीं करें, स्टील को पहले यदि रस्टिंग है तो साफ कर ले बढ़िया से। जो वायर्स है ब्लैक एंड व्हाइट वायर है 20 गेज का रखे, ज्यादा पतला नहीं रखे, और डायगोनल बांधे उसको, क्रॉस जो जाली है चारों तरफ बांधे अच्छे से, ताकि वो टेम्पिंग रनिंग के समय वो इधर उधर टूट नहीं जाए। ये सब प्रिकॉशन के साथ आप काम को करें। मिनिमम जो आईएस कोड के हिसाब से आप ड्राइंग में चेक करें, मिनिमम आपका M20 रखना है, उससे कम नहीं। M20 का अर्थ हुआ 1.3। यदि हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट है या हाई ग्रेड कॉन्क्रीट है तो उसके लिए आपको डिजाइन मिक्स करके ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको लैब में पहले उसकी, जैसे M50 है कॉन्क्रीट की, जो ब्रिजेज वगैरह बन रहे हैं, या हाई मल्टी स्ट्रीट 30-40 तरह बन रहे हैं, M100 तक यूज कर रहे हैं, मीन्स 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसकी कॉन्क्रीट की है हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट। इसके लिए आप साइड पे आपको 1.3-1.2 फुट नहीं चलेगी, इसके लिए प्रॉपर लैब में इसकी सब कुछ वेट करके होता है, सीमेंट सैंड जो डोलोमाइट जो एग्रीगेट भी अलग तरह से होते हैं, उसके बाद काफी कॉस्टली एग्रीगेट होते हैं, सीमेंट भी स्पेशल टाइप की होती है, ग्रेड की होती है, हाई ग्रेड की होती है सीमेंट, तो ये सभी को वेट करके मिक्स करें। वाटर भी बहुत कंट्रोल वे से डाला जाता है टू अचीव द डिजायर्ड स्ट्रेंथ, जो लैब में आपको सजेस्ट किया हुआ है उसके हिसाब से हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट के लिए करते हैं। यदि नॉमिनल मिक्स है M20 है या M40 तक, आप M30 तक आप साइड पे अपना नॉमिनल मिक्स कर सकते हैं, उसमें आपको ध्यान देने की खाली वर्केबिलिटी और टेस्ट करके आप काम कर सकते हैं। बट सभी के लिए बहुत जरूरी है कि आप स्लम्प टेस्ट कर ले, वर्केबिलिटी डिसाइड कर ले, पानी बहुत ज्यादा नहीं डाले, और शटरिंग में कोई तरह का लीकेज नहीं होने चाहिए, और टैंपिंग वगैरह जो वाइब्रेटर लगा के अच्छे से आप करें इस काम को, सो दैट यू कैन अचीव बेटर क्वालिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। तो मैं इतना ही आज इस वीडियो में कहूंगा। तो आपने देखा मैंने क्या क्या सिखाया, आपने सेटिंग ऑफ द एक्सिबिशन लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन, कलम की फाउंडेशन फुटिंग के लिए कैसे हम लेआउट करते हैं, और जो रीबार से कलम के लिए वो कैसे हम पीसीसी बेड पर डालते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा, इट्स वेरी यूजफुल फॉर इंटरव्यू पर्पस एंड फॉर साइट इंजीनियरिंग वर्क्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड कमेंट दे दे। इस तरह के वीडियो हम बराबर भविष्य में लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू, टेक केयर, वॉच मोर। हेलो फ्रेंड, आई एम हरी, वेलकम टू सीएस टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर जरूर प्रेस करें और शेयर करें।